पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। ऐसे में आप सभी लोग जानते ही होंगे कि हिंदू में धनतेरस का क्या महत्व है। इस दिन हम सभी परिवार अपने अपने घरों के लिए बर्तन या सोने की खरीदारी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अगर हम धनतेरस के दिन बर्तन और गहने खरीद कर अपने घर लाते हैं तो हमारे घर में अनेक प्रकार की खुशियां और समृद्धि आती है। इसके अलावा धन की भी वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन हम सभी लोग कुछ न कुछ चीजें जरूर खरीदते हैं और अपने घर लाते हैं, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि हमें धनतेरस के मौके पर कौन सी ऐसी चीजों को खरीदना चाहिए? क्योंकि धनतेरस पर कुछ खास चीजों को खरीदने की परंपरा है, जिसे अगर आप खरीदते हैं तो आपको और आपके परिवार को अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि हमें क्या खरीदना चाहिए। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमें धनतेरस पर किन चीजों की खरीदारी करनी चाहिए। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदते हैं और भगवान धन्वंतरी के ऊपर अर्पित करते हैं तो आपके घर में धन की वृद्धि होगी, क्योंकि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में सोने का कलश लेकर निकली थी, जिसके बाद यह परंपरा बन गई कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन सोना चांदी की खरीदारी करता है तो उसके धन में वृद्धि होगी। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना भी काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू घर में लगाने से सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है और घर में सुख शांति आती है। इस दिन आप अपने घर में पुराने बर्तन को बदलकर तांबे पीतल चांदी के बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं। वही ऐसा माना जाता है कि पीतल के बर्तन सबसे शुभ होते हैं, क्योंकि पीतल का बर्तन माता लक्ष्मी और बृहस्पति का प्रतीक है। धनतेरस के मौके पर आप अपने और अपने परिवार वालों के लिए नए कपड़े भी खरीद सकते हैं, क्योंकि नए कपड़े खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग पूजा करने के लिए लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति या चित्र खरीदते हैं, जो काफी शुभ होता है। धनतेरस के दिन बच्चों को खिलौना खरीदना काफी सुना जाता है, क्योंकि अगर बच्चे खुश रहेंगे तो घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कौन सी चीजें हमें धनतेरस पर नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन स्टील, प्लास्टिक, लोहा, एल्यूमिनियम, कांच की वस्तुएं न खरीदें, क्योंकि कांच की वस्तुओं को खरीदते ही राहु का प्रभाव आता है। इसके साथ ही लोगों को वैसी चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए जिसका रंग काला हो या जो नुकीला या धारदार हो। अगर आप धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं तो आप लोहा, तांबा, पीतल और प्लैटिनम के बर्तन की खरीदारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।